तो गाइस यार फाइनली जो है पे आप लोग देख सकते हैं प्यारा, इसको तो छू सकते हैं, इसमें बैठना मना है, लेकिन एकदम झूला उधर उधर जाओ। विशाल और रौनक दोनों जो है काफी ज्यादा है, रोज का फ्लावर सभी को पसंद आता है। इनफैक्ट जो आलोक को भी रोज का फ्लावर पसंद है, बेसिक सा पार्क है अभी, मतलब ज्यादा लोग। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो यार अभी जो है हम लोग निकल चुके हैं पार्क के लिए, आज जो है मतलब छुट्टी था, कल भी छुट्टी था हमारा कॉलेज में, तो हम सभी लोग जो है निकल रहे हैं, इंक्लूडिंग रौनक और मनीष वगैरह, अमन सभी रूममेट्स वगैरह जा रहे हैं। काफी ज्यादा मजा आने वाला है यार, अभी तो यहाँ से हम लोग निकले हुए हैं, काफी एंजॉय करने वाले हैं। आगे चलते हैं, रास्ते का सीन पूरा दिखाऊंगा भाई। गाइस वी आर, हम सभी कॉलेज से बाहर निकल गए हैं और भी हम लोग इतने इंटरेस्टेड है कि दूर का भी रास्ता हम लोग को नजदीक लग रहा है। तो गाइस यार धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, काफी ज्यादा मजा आ रहा है। इस साइड में आप लोग देखिए काफी प्यारा सा मंदिर भी आपको देखने मिल जाता है, और इस साइड में विशाल माय रूममेट रौनक अमन, इस साइड में आप लोग देख सकते हैं सभी फ्रेंड लोग जा रहे हैं यार, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। मेन रोड ज्यादा दूर नहीं, पास ही में ही है। फाइनली जो है मी एंड रौनक मेन रोड पहुंच चुके हैं, मैं और रौनक नहीं यार बल्कि सभी लोग हम लोग पहुंच चुके हैं। इस साइड में आपको दुकानें वगैरह भी देखने मिल जाता है, कॉलेज में जाने का रास्ता ये हमारा है, तो काफी जो है स्वीट सा मार्ग है। बाकी इस साइड में आप लोग देखिए काफी ज्यादा वाहन चलते रहता है यार, ये रोड पे काफी ज्यादा बिजी रास्ता है यार। अभी यहाँ पे ये लोग डिस्कस कर रहे हैं ये कितना रुपया लीजिएगा भैया। तो चलते हैं आगे, काफी ज्यादा मजा आ रहा है। इस साइड में आप लोग देखिए काफी ज्यादा वाहन है यार, रोड देखिए काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। बाकी इधर आप लोग देखिए रौनक, इधर माई फ्रेंड विशाल रूममेट, इधर रूममेट है विशाल, काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और मनीष जो है यहाँ पे आपको कुछ बताना चाहेगा इस साइड में, बताओ मनीष। साइड में पता तो नहीं है किस ये कि कौन सा टीका फैक्ट्री है, बट लुक है बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लुक तो लग रहा है। जो है काफी बड़ा सा फैक्ट्री यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है। खैर उतना मतलब अच्छा आपको क्लियर कैमरा में दिखाई नहीं देगा बिकॉज काफी ज्यादा दूर है हम लोग। बाकी उस साइड में रौनक और विशाल लोग जो है मैप में रिसर्च कर रहे हैं कि पार्क जो है कौन सा लोकेशन पे है, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि ये लोग रिसर्च कर लिए यार। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रामगढ़ जिला का समाहरणालय, और इस समाहरणालय के बारे में रौनक नहीं बताएगा बिकॉज काफी ज्यादा पीछे है। मिस्टर रौनक जी जो है टाइम लैप्स बनाते हुए मोबाइल को कुछ इस प्रकार से पकड़े हुए, मतलब इनका पकड़ने का एंगल ही कुछ अलग रहता है। काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। बिरसा मुंडा चौक के पास अभी फिलहाल हम लोग सभी लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काफी जो है प्यारा सा भगवान बिरसा मुंडा जी का स्टैचू देखने आपको मिल रहा है, काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है यार। और आगे आप लोग देख रहे हैं ना हमारा अमन भाई जो है मैप में रास्ता को देखते हुए हम सभी लोग को गाइड करते हुए जा रहे हैं। तो गाइस जो पीछे आपको बिल्डिंग दिखाई दे रहा है ये ईवीएम वेयर हाउस है, जो इलेक्शन टाइम जो वोट होने वाला मशीन आता है वो मशीन जो है बेसिकली यहाँ पे आई थिंक मौजूद होता है, बिकॉज यार यहाँ पे लिखा हुआ है वो ईवीएम वो हाउस। इधर रोड सुरक्षा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको देखने मिल जाएगा, तो रोड का भी वो सेफ्टी रूल आपको फॉलो करना होता है। अच्छा, तो वेल मेंटेन्ड है सब कुछ यहाँ पर, फुल पेड़ पौधे सब कुछ यहाँ वेल मेंटेन्ड है। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पार्क का गेट है, तो टाइमिंग क्या होता है पार्क का ये तो पता नहीं है, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद ही पता चलेगा। बाकी इस साइड में आप लोग देख सकते हैं सभी लोग एंजॉय करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। रौनक का मुस्कान देखिए, काफी ज्यादा मुस्कान मार रहा है रौनक, आई डोंट नो क्यों, लेकिन पूरा मुस्कान मार रहा है यार, काफी अच्छा लग रहा है मुस्कान मारते हुए। यस, पहली बार निकला है घर से और क्या ही कर सकते हैं, चलिए आगे चलते हैं। मौसम भी काफी ज्यादा खूबसूरत किया हुआ है यार, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो गाइस यार फाइनली टिकट परचेज कर लिए हैं, एक टिकट का प्राइस जो है 30 रुपीज है, पीछे आप लोग देख सकते हैं सभी लोग जो है टिकट ले लिए हैं, और हम लोग जो है एग्जिट द्वार से जो है एंट्री करने वाले हैं बिकॉज एंट्री द्वार क्लोज है, तो क्या कर सकते हैं, चलिए अंदर चलते हैं और पूरा एंजॉय कर। फाइनली जो है पार्क के अंदर हम लोग एंट्री कर चुके हैं, काफी ज्यादा यार मजा आ रहा है। पार्क में उतना ज्यादा हरियाली खास अभी नहीं है, बट हरियाली जल्दी इसमें आने वाला है। इधर आप लोग देखेंगे तो जोहार रामगढ़ का वो बोर्ड लगा हुआ है, काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है। इस साइड में भी आपको अलग अलग प्रकार का जो है व्यू देखने मिल रहा है, सूर्य नमस्कार से रिलेटेड कुछ यहाँ पे वो दिखाया गया है, लेकिन अब हमको आठ ही पता है कि सूर्य नमस्कार का आठ ही आसन होता है जो यहाँ पर दिखाया गया है शुरू से अंत तक। अच्छा, दिखाया गया। तो इस साइड में आप लोग देख सकते हैं जो रौनक बता रहा है वो तो मेरे को बोल ही नहीं आ रहा है। इधर आप लोग देखिए काफी प्यारा प्यारा प्लांट्स आपको देखने मिल जाएगा, तो चलिए अभी मैं आपको जो पास से लेके लास्ट तक दिखाता हूँ। तो गाइस यार पार्क में हम लोग जो है एंट्री ही किए थे कि सभी लोग जो यहाँ पे देखिए थक के बैठ चुके हैं, आई डोंट नो क्यों यार, अभी तो यार हम लोग पार्क में घूमने आए थे लेकिन पता नहीं क्यों बैठ गए। तो गाइस यार यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हिरन में बैठना मना है, हिरन पे बैठना मना है। इस साइड में आप लोग देख सकते हैं काफी प्यारा प्यारा चार चार हिरन आपको देखने मिल जा रहा है, काफी ज्यादा प्यारा है, इसको तो छू सकते हैं, इसमें बैठना मना है लेकिन छूना मना नहीं है, तो आप लोग आइए इसको छूए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हंस है, और यहाँ पे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लिखा गया, इन्फॉर्मेशन क्या है इसको में लिखा गया हंस छूना मना है, मतलब इसको आपको छूना नहीं है लेकिन हम लोग छूएंगे। छूते
ओह माय गॉड, हंस इसलिए नहीं छूना मना है कि देख सकते हैं आप, ये हंस गिरने वाली, इसीलिए जो है छूना इसको जो है मना, रड लगा के बनाया गया है, काफी जो है प्यारा बनाया गया है, आई थिंक इसे में तोड़ दिया गया है, इसीलिए जो यहाँ पे लिखा गया कि हंस को छूना मना है। तो आप लोग आइएगा तो कभी गलती से छूएगा नहीं, हम छू के आपको बस दिखा रहे थे कि कैसा लगता है। बाकी आगे चलिए, आगे इंजॉय करते हैं कुछ कुछ इक्विपमेंट, आगे थोड़ा सा जिम के लिए जाएंगे, अलग अलग इक्विपमेंट लगा गया है। अगर आप जो जिम में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये सब में घुमाइए, सुबह सुबह आइए, 30 रुपये पेमेंट करिए और इसका जो लुत्फ उठाइए, इस प्रकार से घुमाइए और अपना बॉडी बनाइए। काफ़ी जो खूबसूरत खूबसूरत ये लगाया गया है, इस साइड में भी आप लोग देखेंगे तो इसका तो मैं यार यूज़ करके एक बार जरूर देखना चाहूँगा। ऐसे साइकिल चलाइए, अगर मतलब आपके घर में साइकिल नहीं है तो यहाँ पे आइए, 30 रुपये पेमेंट करिए प्रतिदिन और साइकिल को चलाइए। मनीष भी उस साइड में इंजॉय कर रहा है, अभी मैं चल के दिखाऊंगा। और ये क्या है भाई, पता नहीं ये किस प्रकार से काम करता है। तो यार ये मतलब आई थिंक वो है डंबल है, ओ माय गॉड, काफ़ी ज़्यादा भारी है यार, मेरे से तो उठेगा नहीं। फ्लोर यार इसका काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया है, कि मनीष जो है पूरा एक्सपीरियंस ले रहा है इस गैजेट का, तो क्या कर सकते हैं, देखिए पूरा इंजॉय कर रहा है, पूरा बॉडी बना रहा है, मनीष का बॉडी पूरा रहेगा आज। मतलब इस साइड में भी आप लोग देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ओ माय गॉड काफी मतलब यार वो अरे भाई, ओ माय गॉड काफी डेंजर है यार, मतलब ऐसे करते रहिए। अच्छा चीज है, ओ माय गॉड कैसे उतरे भाई, ओहो ओके। इस साइड में आप लोग आइए और इस साइड में देखिए यार ये क्या चीज है भाई, उसका ही मतलब सिमिलर मतलब अलग वर्जन है जो है। आलोक इसमें बताना चाहेगा, बताओ आलोक क्या बोल रहा था भाई। हमारे सेक्टर पे मतलब जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे हर मतलब ब्लॉक पे लगा हुआ है ऐसा झूला, ऐसा फैसिलिटी दिया गया है, बस उसको मेंटेन करने की जरूरत है। लेकिन हर एक सेक्टर में ऐसा मतलब इम्प्लांट किया गया है सरकार द्वारा, बस उसको रिपेयर करवाने का जरूरत है, क्योंकि वहाँ का जो पब्लिक है उसको मेंटेन नहीं करके रखता है। धन्यवाद, आगे का ब्लॉक कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू क्या करना है, काफी ज्यादा एंजॉय किया। चलिए अभी मैं आपको जो है और आगे लेके चलता हूँ और उस साइड का कुछ नजारा दिखाता हूँ, उधर भी यार अलग अलग प्रकार का वो मशीन इक्विपमेंट जो भी होता है वो लगाया गया है। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं विशाल भी काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा है, मतलब पसीना इतना ज्यादा पसीना आ रहा है कि क्या ही बता सकते हैं। अभी इस साइड में जो साइड वाला देखने मिल रहा है, चलिए इसमें चलते हैं, पूरा का पूरा एक्सपीरियंस लेते हैं। मैं इस पे बैठता हूँ और विशाल लोग इस पे बैठेंगे और मजा लेंगे। बैठो विशाल, तो शुरू करें भाई, मजा आ रहा है बहुत दिन के बाद चले। तो गाइस एज यू कैन सी यहाँ पे सभी बच्चे लोग बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे नहीं है गाइस, फिर भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं ये लोग, मजा आ रहा है भाई, देख सकते हैं गाइस ये लोग अपने 30 रुपए को पूरा एंजॉय कर रहे हैं, काफी ज्यादा मजा। तो गाइज यार काफी ज्यादा एंजॉय किए यार, आइए एक झलक और मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि यार इसमें काफी ज्यादा मजा आ रहा है भाई, काफी ज्यादा मजा। अमन रौनक और आलोक जो है इस झूला पे एंजॉय कर रहे हैं, काफी ज्यादा एंजॉय। ओके कैमरा को सेट कर दिए हैं ऊपर, और एज यू कैन सी गाइस, एज यू कैन सी गाइस, इफ यू कांट सी अस देन यू आर ब्लाइंड ऑब्वियसली, गाइस ज्यादा ही एंजॉय करते हैं। देखते हैं कौन कितना बार मार पाता है उसको, हां हां लास्ट दिन हो जाएंगे, लास्ट करेंगे ना। तो गाइस यार काफी ज्यादा मजा आया इस पे, अभी जो है चलते हैं अगला पे। अनिल हमारे रूममेट अभी झूला झूलने वाले हैं, पूरा बच्चा वाला फील लेने वाले हैं, झूला 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 काफी ज्यादा मजा आया यार। मनीष यहाँ पे आने वाला है, कम फास्ट मनीष, कम फास्ट कम फास्ट कम फास्ट, सभी लोग किप किप, ओ काफी ज्यादा एंजॉय किया भाई, कम फास्ट कम फास्ट, ओ माय गॉड सभी लोग यार एंजॉय किए। अरे यार अमन भाई काफी ज्यादा अच्छा लगा, ओ माय गॉड रौनक 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 भी आ रहा है, रौनक भी आ रहा है, रौनक भी आ रहा है, एक बार रौनक का झलक देखिए, कम फास्ट रौनक कम फास्ट, ओ माय गॉड, काफी ज्यादा अच्छा लगा। और इधर भी यार अलग अलग प्रकार का इक्विपमेंट जो है खेलने के लिए लगाया गया। तो गाइस यार फाइनली आ चुका है वो, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अलग अलग प्रकार का ये लगाया गया, चलिए इसका मजा लेते हैं। रौनक भी बैठेगा, चलो बैठो रौनक ब्रो, मैं तो यहाँ पे लास्ट में ही बैठूंगा। इसमें जो स्प्रिंग लगाया गया है मतलब काफी प्यारा है यार। बाकी अमन आप लोग देख सकते हैं वो जो है मतलब सोलो प्ले कर रहा है, 30 रुपया दिए हैं यार वो तो मतलब भाई 30 रुपया लिया गया था, मतलब उसको हम लोग जो पूरा निकाले। यहाँ पे अमन भी देखिए एंजॉय कर रहा है और इस साइड में अलोक भाई भी जो एंजॉय कर रहा है। इस पे हम लोग ऊपर नहीं जा सकते बिकॉज यार इसको अभी बंद कर दिया गया है, उधर जो है वो रस्सी लगा दिया गया है, तो ऊपर जाने के लिए अभी इसको जो है मतलब मेंटेनेंस मोड में है ये लोग अपना मस्त मुर्गी में एंजॉय कर रहे हैं, कहीं अगर ये मुर्गी का स्प्रिंग निकला आगे गिर जाएंगे मुर्गे बल। ये जितना भी अभी हम लोग एंजॉय किए मतलब, लेकिन यार ये सभी मतलब बच्चा ही है 14 साल
साल से नीचे के ही एज का है, मतलब यार अभी हम लोग बच्चे बनने का कोशिश। बाकी यहाँ पे आप लोग काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है यार। तो गाइज यार रेलवे स्टेशन पे आप लोग जाते, रेलवे स्टेशन मिलता है इस साइड में आपको किड्स प्ले स्टेशन देखने मिल जाता है, पार्क में यार अलग अलग स्टेशन और कैफेटेरिया देखने मिल जाता है जहाँ पे आप काफी ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे। फिलहाल यार इस साइड में चलते हैं, हाथी को छूना बिल्कुल यार मना है, बट आई डोंट नो व्हाई दे आर टचिंग। इस साइड में आप लोग देखिए हाथी का मिनी वर्जन भी आपको देखने मिल जाता है काफी ज्यादा छोटा, और इधर सभी लोग जो फोटोग्राफ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काफी जो प्यारा प्यारा फ्लावर रोज का देखने मिल जाता है, रोज का फ्लावर सभी को पसंद आता है, इनफैक्ट जो लोग को भी रोज का फ्लावर पसंद है एकदम बिल्कुल। ये जो पिंक कलर का रोज है बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है, कुछ अलग ही लेवल का सिस्टम लगाया है, लेकिन फिलहाल ये क्लोज है तो दिखा नहीं सकते। अगर ये रात में जो है इसको चलाया जाएगा और इसमें अगर लाइट जब जलने लगेगा तो काफी ज्यादा खूबसूरत लगेगा, काफी ज्यादा प्यारा लगेगा। बाकी आप लोग देख ही रहे हैं यार उस साइड में मिक्की माउस वाला जो होता है वो भी यहाँ पे लगाया गया है, और इधर यार काफी ज्यादा विशाल गेट, साल मतलब वो विशाल के बारे में नहीं बता रहा हूँ, विशाल मतलब बड़ा वाला गेट है इधर आप लोग देख सकते हैं। तो आप जो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं यार, ये जो है बेसिकली एंट्री गेट था, लेकिन अभी जो हम लोग एग्जिट द्वार से एंट्री किए हैं, अभी ज्यादा उतना भीड़ आई थिंक ये पार्क में नहीं लगता है, उसके वजह से जो ये एंट्री गेट को जो अभी फिलहाल क्लोज कर दिया गया है। इस साइड में लिखा गया है जोहार रामगढ़, जोहार रामगढ़ देखने से पता चलता है कि यार ये जो है बेसिकली झारखंड में है, और क्या ही दिखाएं। आइए इस साइड में कुछ इतिहास का पन्ना है, इतिहास का पन्ना जरूर मैं आपको दिखाऊंगा यार। कल जो है महात्मा गांधी जी का जो है वो जन्मदिन था 2 अक्टूबर। बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसके बारे में आई डोंट नो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है या फिर नहीं, बट आप जो है देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। बाकी इस साइड में आप लोग देख सकते हैं अलोक मनीष एंड विशाल इंक्लूडिंग रौनक एंड दिस अमन, सभी लोग यार एंजॉय कर रहे हैं। कितना ज्यादा एंजॉय किया रौनक बताओ? बहुत ज्यादा एंजॉय किया, हम बहुत सारा फोटो क्लिक किए हैं। अच्छा, सारा अभी शेयर होगा। अच्छा, और अनिल भी तो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा है। हम तो यार काफी ज्यादा एंजॉय किया। अमन भाई बताओ यार मतलब कितना ज्यादा एंजॉय किया? शुरू में तो लग नहीं रहा था, लेकिन यहाँ पर घूमने के बाद जो एंजॉयमेंट हुआ उसका फील एक लेवल अप था पूरा। अलोक कुछ दिखाना चाहेगा दिखा दो अलोक ब्रो। ओ माय गॉड। ओके यार, तो अभी जो है थोड़ा सा मैं और इस साइड में आ चुका हूँ, फिलहाल विशाल लोग जो उस साइड में घूमने गए हैं, लेकिन इधर आप लोग देखिए यार काफी ज्यादा मतलब खूबसूरती है, काफी ज्यादा अच्छा ग्रीनरी, और इधर आप लोग देखिए अलग अलग प्लांट्स भी आपको देखने मिल जाएगा। बाकी यार डस्टबिन भी काफी यूनिक करके यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे जाने के बाद यार इसके बारे में जरूर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अलग अलग प्राइस यहाँ पे लिखा गया है, तो आप लोग जो है खुद वीडियो को पॉज करके एक झलक देखिएगा यार क्या चीज का कितना प्राइस है। इधर आप लोग देखिए क्या लगाया गया भाई, जोहार रामगढ़ पार्क, इंस्टाग्राम आईडी भी नीचे दिया हुआ है, तो क्या चीज है भाई आप कमेंट सेक्शन में बताइए। साइड में आप लोग देख सकते हैं रौनक पूरा मतलब वीडियोग्राफी जो है स्लोमो बना रहा है, टाइमलेस बना रहा है, पूरा पार्क का टाइमलेस बना रहा है। पे आप लोग देखिए ये पार्क के बारे में इन्फॉर्मेशन पूरा का पूरा लिखा गया है, सभी बॉयज लोग जो है एंजॉय कर रहे हैं। तो गाइस यार फाइनली जो है हम सभी लोग पार्क में घूम लिए, ज्यादा ही तो अच्छा नहीं है, बहुत ही सारा मिसिंग है जो पार्क में होना चाहिए, वो सब बहुत ही कुछ मिसिंग। पार्क बहुत ही अच्छा है, बस इसको जितना मेंटेन करके रखेगा पार्क का कमेटी उतना बढ़िया रहेगा, सब कुछ तो बढ़िया रहा, अपना एंजॉयमेंट तो सही रहा, लेकिन थोड़ा पार्क में मेंटेनेंस आई वो नहीं हो सका है। और बेसिक पार्क है अभी, मतलब ज्यादा लोग यहाँ भीड़ भाड़ भी नहीं है उतना, हम लोग जैसे 30 रुपये पे किए लेकिन उतना कुछ 30 रुपये का वैल्यू भी लगा नहीं, वाटरफॉल भी नहीं चल रहा था फिर भी काफी ज्यादा हम लोग जो है एंजॉय किए। बाकी विशाल भाई तुम बताओ यार, बहुत मजा आया, जो है सब ठीक है। विशाल भाई काफी ज्यादा एंजॉय किया। फिलहाल इस ब्लॉग में इतना ही था, मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो के साथ, बाय।